गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. आई एम रजनी सैनी फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू, योर ईवीएस सब्जेक्ट टीचर. स्टूडेंट्स, ईवीएस में पहले हम चैप्टर वन रिवाइज करेंगे. चैप्टर वन में आपका इंट्रोडक्शन है अबाउट माई सेल्फ, अपने बारे में. तो माई सेल्फ आप सभी को पता होना चाहिए. आपके इंट्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन फर्स्ट है माई नेम इज. तो सबसे पहले अपना नेम, यहाँ मैं आपको वर्कशीट सेंड करूंगी जिससे आप अपना इंट्रोडक्शन उसमें कंप्लीट कर सकते हैं. माई नेम इज, तो आपका नेम आ जाएगा. माई डेट ऑफ बर्थ इज, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखेंगे. नेक्स्ट नंबर थ्री, आई एम इयर्स ओल्ड, आप जितने भी इयर्स ओल्ड हैं वो यहाँ आ जाएगा. नंबर फोर, My father's name is. सभी को अपने parents की spelling है वो learn होनी चाहिए. तो father's name, तो यहाँ spelling learn करेंगे. यहाँ father's name लिखेंगे. Next, my mother's name is. तो यहाँ अपनी mother का name लिखेंगे. तो सभी को ये अपना introduction है वो complete आना चाहिए. Myself है ये, अपने बारे में. Next, number six, the name of my school. नेम ऑफ स्कूल सभी को लर्न होना चाहिए. ए डी ए आर एस एच ऊपर लिखा हुआ है आदर्श, बी ए एल बाल, एन आई के ई टी ए एन निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू. तो फुल नेम स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए. ए डी ए आर एस एच आदर्श बाल निकेतन, बी ए एल बाल, एन आई के ई टी ए एन निकेतन. नेक्स्ट नंबर सेवन, माय प्रिंसिपल नेम इज, सभी को अपने प्रिंसिपल का नेम होना चाहिए. स्पीकर म्यूट कर ले बेटा. भूमि, स्पीकर म्यूट रखे बेटा. एग्जाम किसमें देना मेरा? एग्जाम के लिए आपको मैसेज आ जाएगा, उसमें सब डिटेल्स आ जाएंगी. वैसे गूगल फॉर्म पे 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे. एक आपके पास लिंक आएगा, उस लिंक को ओपन करना है. जिस टाइम पे आप ओपन करेंगे उसी टाइम से आपको 15 मिनट मिलेंगे उसको सॉल्व करने के लिए. उसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे बेटा. 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होंगे. उसमें राइट ऑप्शन को टिक करना है. वो 15 मिनट मिलेंगे उसके लिए. वो आप कंप्लीट करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे. एक बार पेपर सबमिट होने के बाद दोबारा ओपन नहीं होगा. यस, कॉपी में नहीं करना है क्या? कॉपी में पार्ट टू आएगा, सेकंड पेपर आएगा, वो आपको नोटबुक में करना है. उसके लिए टेस्ट नोटबुक डालनी है और उसमें सभी पेपर हैं वो करेंगे. और पेपर होने के बाद में उसकी फोटो क्लिक करके और कंसर्न टीचर को सेंड करेंगे. और लास्ट जब पेपर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद स्कूल में नोटबुक है वो सबमिट करवानी है. मैम, लेकिन सानी और भूमिका दोनों का कैसे होगा एक साथ? एक साथ? हेलो, ये मैम आप बाद में डिस्कस कर लेना, तो मैं बता दूंगी आपको कैसे करेंगे. ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपको कॉल करूंगी. कॉल कर लेना. तो माय प्रिंसिपल नेम इज मिसेस अनीता महमिया. ठीक है, तो स्पेलिंग सभी को लर्न होनी चाहिए. ए एन आई टी ए अनीता, एम ए एच एम आई ए महमिया. ठीक है, नेक्स्ट है माय हॉबी. आपकी हॉबी, हॉबी मीन्स क्या होता है? रुचि. आपकी किस में रुचि है? स्टडी में है, डांसिंग में है, सिंगिंग में है. तो आपकी जो भी हॉबी है वो आप इसमें कंप्लीट करेंगे. लाइफ स्किल हमने पहले ही कर लिया था. इसमें आपके पेरेंट्स के बारे में आपको जानना था, क्या उनको पसंद है, उनका नेम, उनका बर्थडे, फेवरेट फूड, फेवरेट कलर और फेवरेट मूवी. तो फर्स्ट चैप्टर आपका रिविजन में इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन आप सभी को लर्न है. अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर टू. ठीक है, चैप्टर टू ग्रोइंग अप. इसका बुक वर्क देखिए, नोटबुक निकाल लें बेटा और उसमें ये चैप्टर टू करेंगे हम लोग. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन टिक द करेक्ट. फर्स्ट देखिए, टिक द करेक्ट. ऐसे ही गूगल फॉर्म पे आपको क्वेश्चन मिलेगा. जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास में, एनिमल्स. एनिमल्स क्या होते हैं? जानवर. एनिमल्स एंड प्लांट्स
एनिमल एनिमल एंड प्लांट्स ऑल्सो, एनिमल और प्लांट्स ऑल्सो क्या होते हैं? एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं? इसमें हमें दो ऑप्शन मिले हैं, ग्रो और डू नॉट ग्रो। ऐसे ही आपके पास भी ऑप्शन आएंगे और उसमें जो राइट ऑप्शन होगा उसको हमें क्लिक करना है, ठीक है? मल्टीपल चॉइस के आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसमें जो राइट आंसर है उसको आपको क्या करना है, टिक करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रो, चाहे एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं, ग्रो मीन्स बढ़ना, सभी बढ़ते हैं, तो एनिमल एंड प्लांट्स ऑल्सो ग्रो। ग्रो मीन्स उनकी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो बढ़ते हैं, तो हम लोग भी बढ़ते हैं, प्लांट्स भी बढ़ते हैं, एनिमल्स भी बढ़ते हैं, ठीक है? एनिमल्स का एक बेबी होता है, वो पहले बहुत छोटा होता है, जब जन्म लेता है उसके बाद वो बड़े से बड़ा और बिल्कुल एनिमल की तरह दिखाई देने लगता है। ऐसे ही एक प्लांट जब होता है तो वो बहुत छोटा होता है, एक सीड को हम लोग लगाते हैं, एक बीज लगाते हैं, और उसके बाद उसमें धीरे धीरे हम पानी देते हैं, खाद डालते हैं, तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है, ग्रो करता है, बढ़ता है। तो एनिमल्स प्लांट्स ह्यूमन बींग सभी ग्रो करते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर बी, नंबर बी गर्ल्स, जी आई आर एल एस, गर्ल्स, गर्ल्स कौन होती है? लड़कियां। ग्रो, जी आर ओ डब्ल्यू, ग्रो मीन्स बढ़ना, अप टू बिकम, गर्ल्स बढ़ती हैं तब किसकी तरह बनती हैं? गर्ल्स ग्रो अप टू बिकम, जब बड़ी होके गर्ल्स हैं वो किसकी तरह दिखाई देती हैं, किसकी तरह बनती हैं? गर्ल्स हैं वो वुमेन की तरह, औरत की तरह दिखाई देंगी, और जो बॉयज हैं वो किसकी तरह दिखाई देंगे? मैन की तरह दिखाई देने लगेंगे। तो यहाँ हम नंबर बी ऑप्शन वुमेन को टिक करेंगे, ठीक है? ऐसे ही आपके पास मल्टीपल चॉइस के 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जो राइट ऑप्शन होगा उसको आप लोग टिक करेंगे, उसके बाद उसको सबमिट करेंगे, ठीक है? एक ही चांस मिलेगा आपको इसमें, उसी टाइम में हमें इनको कंप्लीट करना है, दोबारा पेपर वो ओपन नहीं होगा, इसलिए ध्यान से कंप्लीट करना। 15 मिनट मिलेंगे इसके लिए आपको। नेक्स्ट नंबर टू, फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए माय मदर इज, तो यहाँ सभी आप लोग फिलअप में लिख सकते हैं कि आपकी मम्मी है वो कितने एज की है, तो फिलअप में 30, 32, 33, 34, 35 जितने भी एज की आपकी मदर है वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आई वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स चाहना, डब्ल्यू ए एन टी, टू बी ए वेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा या बड़ी हो जाऊंगी तब मैं क्या बनूंगी? आपका एक ड्रीम होना चाहिए, एक सपना, एक गोल होना चाहिए जिसको आपको अचीव करना है, उसको प्राप्त करना है, उसको लेना है। अभी से जब हम सपने देखना शुरू करेंगे तभी उनको हम पूरा कर पाएंगे, ठीक है? उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी है और अच्छे से अपनी स्टडी करनी है। आई वॉन्ट टू बी ए, मैं बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी या बड़ा हो जाऊंगा, ठीक है? तो आप बड़े होके जो बनना चाहते हैं वो उसमें नंबर बी में लिखेंगे, नंबर ए में आपकी मदर कितनी एज की है और नंबर बी में आप क्या बनना चाहते हैं वो लिखेंगे। नंबर सी, ए शीड, शीड मीन्स एक जो बीज होता है, ग्रो जब वो बढ़ता है इनटू ए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर मीन्स बाद में, सम मीन्स कुछ, टाइम मीन्स समय, कुछ समय बाद एक शीड है वो किस में चेंज हो जाएगा? प्लांट में, एक प्लांट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ प्लांट की स्पेलिंग पी एल ए एल टी, प्लांट, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, राइट टी फॉर ट्रू एंड
F for the first statement. As you grow, grow means badhna. You become taller and heavier. Heavy means bhari, tall means lamba. जब आप बढ़ते हैं तब आप लंबे होते हैं और भारी होते हैं बिल्कुल। जब हम छोटे थे तब हम छोटे भी थे और हमारा वेट भी कम था। जैसे जैसे हम बड़े हुए हमारी साइज भी बढ़ी और हमारा वेट भी बढ़ रहा है ना। एक बेबी में जो वेट होता है उसके बाद कंटिन्यू हमारा वेट है वो बढ़ता है, ठीक है। तो एज यू ग्रो, जब हम बड़े होते हैं, यू बिकम, तब हम टॉल होते हैं, लंबे भी होते हैं और हैवी भी होते हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन आप लिखेंगे एज यू ग्रो यू बिकम टॉलर एंड हैवियर, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ए में टू। नेक्स्ट नंबर बी, एज यू ग्रो जब आप बढ़ते हैं, यू लर्न, लर्न मीन्स सीखना, मैनी थिंग्स, तब आप बहुत सी चीजें सीखते हैं। यस yes, जब हम समय के साथ साथ बढ़ते हैं तो हम में नॉलेज भी बढ़ता है, हम में जानने की ज्यादा इच्छा होती है, हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछते हैं। जैसे आपकी फर्स्ट की बुक के अकॉर्डिंग जो सेकंड की बुक आई है उसमें आपका नॉलेज है वो ज्यादा बढ़ेगा, जब आप थर्ड में जाओगे तो उस बुक के अकॉर्डिंग आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी। आपका जो नॉलेज है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर बी में टू। नेक्स्ट नंबर सी, As you grow, जब आप बढ़ते हैं, you outgrow your clothes. देखिए, आपके कपड़े भी बढ़ते हैं, देखिए उनका साइज भी बढ़ता है। जैसे हम बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग बेटा। As you grow, जब आप बढ़ते हैं, you outgrow your clothes. वैसे वैसे हमारे कपड़ों का साइज भी बढ़ता है। जब हम बढ़ेंगे, एक बेबी से लेके अब तक हमने कितने चेंजमेंट देखे हैं, हम वो खुद देख सकते हैं। हमारी हाइट भी बढ़ी है, हमारा वेट भी बढ़ा है, हमारे क्लोथ्स भी छोटे हो गए हैं और हमें बड़े क्लोथ्स है वो खरीदते हैं। इसलिए इसमें नंबर टू। नेक्स्ट नंबर डी, आफ्टर सम ईयर, कुछ समय बाद। आफ्टर मीन्स After means बाद में, कुछ समय बाद you will become a baby again. क्या कुछ समय बाद एक baby आप दोबारा से बन जाएंगे? क्या हम बेबी नहीं, हम एडल्ट बनेंगे। अब तो धीरे धीरे हमारी एज, हमारी ग्रोथ है वो बढ़ेगी, ना कि छोटी होगी। तो हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद यू विल बिकम ए बेबी अगेन, नहीं, इसके बाद तो हम एडल्ट हो जाएंगे, वयस्क बनेंगे, इसलिए इसमें फॉल्स आएगा, क्योंकि कुछ समय बाद हमारी ग्रोथ होगी, हम बढ़ेंगे ना कि छोटे होंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर ए, हाउ ओल्ड आर यू। सभी को आंसर लर्न होना चाहिए, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने ईयर के हैं, कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड आर यू, आंसर क्या लिखेंगे? आई एम, सेवन ईयर्स ओल्ड, एट ईयर्स ओल्ड, जितने भी ईयर्स ओल्ड हैं वो आपको लर्न होना चाहिए। आई एम ईयर्स ओल्ड, लर्न हो गया सभी को आंसर? आई एम सेवन ईयर्स ओल्ड या आई एम एट ईयर्स ओल्ड, सेवन या एट, कितने ईयर के होंगे आप, तो इसमें आप लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बी,
यहाँ हमें नेम पूछा है, नेम द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का हमें नाम लिखना है जो सबसे ओल्ड है, ठीक है। तो नेम द ओल्डेस्ट मेंबर, इसके लिए यहाँ मैं फिलअप छोड़ रही हूँ, उसमें आपको फिलअप में लिखना है उनका नेम, इज द ओल्डेस्ट मेंबर member of my family, ठीक है, is the oldest member of my family. तो यहाँ oldest member का हम लोग नेम लिखेंगे, और नेम है वो सबको लर्न होना चाहिए कि आपकी फैमिली में सबसे oldest member का नेम कौन क्या है और वो कौन है, ठीक है। नंबर सी, हाउ मैनी सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मैंने बताया था कि जो सगे भाई बहन होते हैं, एक ही माता पिता के जो बच्चे होते हैं उनको सिबलिंग कहते हैं। तो हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आप कितने सिबलिंग्स हैं, कितने भाई बहन हैं। आंसर नंबर 1, 2, 3, हाउ मैनी siblings, तो हम answer लिखेंगे I have, अब आप जितने भी siblings हैं यहाँ लिखेंगे 2, 1 siblings, I have 1 siblings, I have 2 siblings, जितने भी भाई बहन हैं आप उनको count करके इसमें लिखेंगे। ये तो था हमारा चैप्टर 2, इसके बाद रिवीजन करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हमने सीजन के बारे में रीड किया था कि डिफरेंट टाइप के सीजन में हम डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स है वो पहनते हैं, पहनते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर समर सीजन, समर सीजन कौन सा होता है, गर्मी का मौसम होता है। हमें पता है कि समर सीजन में हम लोग किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, इनमें हमें गर्मी कम लगती है और ये हमारा पसीना है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं, ठीक है। तो गर्मी के सीजन में हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। हमने ये भी देखा कि क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, चैप्टर में हमने रीड किया, क्योंकि क्लोथ्स है वो हमें किस किस से प्रोटेक्ट करते हैं, तो क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। किन किस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने देखा था विंटर सीजन, विंटर सीजन और विंटर सीजन में हम लोग कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, वूलन, कैसे पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स। क्यों पहनते हैं वूलन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते, क्योंकि ये हमें इससे प्रोटेक्ट करते हैं सर्दी से, ये हमें वार्म रखते हैं,
गरम बना के रखते हैं, हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, गरम रखते हैं, इसलिए हम लोग विंटर सीजन में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। और वूलन क्लोथ्स हैं वो हमें किससे मिलते हैं, कहाँ से बनते हैं ये वूलन क्लोथ्स? देखिए कॉटन क्लोथ्स है वो किससे बनते हैं, कॉटन प्लांट से। कॉटन क्लोथ्स किससे बनते हैं, कॉटन का एक प्लांट होता है, उस प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, ठीक है। और वूलन क्लोथ्स शीप के बालों से बनता है, उसकी जो वूल ऊन जो होती है उसको काम में लिया जाता है, वूलन क्लोथ्स तैयार किए जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो समर सीजन में हम लोग क्लोथ्स पहन रहे हैं वो किससे बनते हैं, जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो कॉटन प्लांट से हमें बनते हैं। कॉटन का एक प्लांट होता है, उसमें एक क्या निकलती है, उसमें रुई निकलती है, उस रुई से ही कपड़े तैयार होते हैं। तो कॉटन का एक प्लांट होता है। नेक्स्ट वूलन क्लोथ्स जो है वो शीप के बालों से हमें बनते हैं, उनको फैक्ट्रीज में उनको सही से उनको बनाया जाता है, उनसे धागा है वो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखा था सिल्क क्लोथ्स। सिल्क क्लोथ्स जो है वो सिल्क वॉर्म का एक कीड़ा होता है जिसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म। तो वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर का बुक वर्क, पेज नंबर 16। रेनी सीजन, उससे पहले रेनी सीजन, जब बारिश होती है तो हम लोग कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, रेन कोट, ठीक है, रेन कोट, गम बूट और अम्ब्रेला का हम रेनकोट पहनते हैं, गम बूट पहनते हैं और अम्ब्रेला का यूज करते हैं। रेनी सीजन कौन सा होता है, बारिश का मौसम। और भी हमने डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स हैं वो अपने चैप्टर में रीड किए थे कि कैसे कैसे किस तरीके से हम लोग क्लोथ्स का यूज है वो करते हैं। टेक द करेक्ट पेज नंबर 16। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी वियर इन समर। देखिए यहाँ हमें ऑप्शन दिया है, तीन हमारे सामने ऑप्शन है, इनमें से हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। हेलो, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वी वियर इन समर। क्वेश्चन नंबर ए, वी वियर इन समर, वियर मींस पहनना, समर गर्मी के मौसम में। समर में देखिए हम लोग शॉर्ट्स पहनते हैं, यस, जो छोटे निक्कर होते हैं वो लोग वो पहनते हैं, स्कर्ट पहनते हैं, रेनकोट रेनी सीजन में पहनते हैं और जैकेट हम विंटर सीजन में पहनते हैं। तो यहाँ नंबर ए ऑप्शन शॉर्ट्स आ जाएगा, शॉर्ट्स को हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने रीड किया था सिल्क वॉर्म, सिल्क का एक कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म गिव अस। सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है, तो सिल्क वॉर्म से क्या हमें कॉटन मिलती है, नहीं, कॉटन किससे मिलती है, कॉटन प्लांट से, और जूट है वो भी कॉटन से बनती है। तो नेक्स्ट है सिल्क, यस, सिल्क वॉर्म गिव्स अस सिल्क। तो यहाँ नंबर सी ऑप्शन सिल्क को हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट नंबर बी, लेदर इज यूज्ड, लेदर का यूज किया जाता है टू मेक, मेक मींस बनाना, लेदर इज यूज्ड टू मेक, मेक मींस बनाना, लेदर का यूज क्या बनाने में किया जाता है, क्या लेदर से बेल्ट बनते हैं, नैपकिन, yes, या
कारपेट बनते हैं। देखिए जो नैपकिन होते हैं वो किससे बनते हैं, वो पेपर से बनते हैं, और कारपेट है वो कपड़े से बनता है, ना कि लेदर से बनता है। लेदर इज यूज्ड टू मेक, स्पीकर म्यूट कर ले बेटा, और ये आपको बुक वर्क है, ये नोटबुक में करना है। नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा बेल्ट। और भी कई सारी चीजें हैं जो लेदर से बनती हैं, तो बताइए कौन क्या क्या बनता है लेदर से, हमने रीड किया था पहले भी, कई आइटम बनते हैं। पर्स बनते हैं, शूज बनते हैं, कई लेदर की जैकेट्स भी आती हैं, ये सब किससे बनते हैं, लेदर से बनते हैं। और लेदर है वो किससे मिलता है हमें, लेदर किससे मिलता है, डेड एनिमल्स, वेरी गुड, डेड एनिमल से हमें लेदर मिलता है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। वी गेट, गेट मीन्स मिलना, वी गेट फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, वही है अभी आ गया कि डेड एनिमल से, मरे हुए जानवरों से हमें क्या मिलता है। तो यहाँ नंबर ए में क्या लिखेंगे हम, लेदर। लेदर नेक्स्ट देखिए, नंबर बी, कीप अवर हैंड्स वार्म इन विंटर। वार्म मीन्स गर्म रखना, विंटर मीन्स सर्दी का सीजन। सर्दी के सीजन में हमें कौन है जो वार्म रखता है, गर्म रखता है, देखिए ग्लव्स। हमारे यहाँ हमें हैंड्स को पूछा है, वैसे तो अदर भी चीजें हैं जैसे स्वेटर है, सॉक्स है, कैप है, लेकिन हमारे हाथों के लिए पूछा है कि हमारे हाथों को गर्म रखने के लिए विंटर में हम लोग क्या पहनते हैं, तो क्या पहनते हैं, ग्लव्स, GLOVES, ग्लव्स पहनते हैं अपने हैंड्स को वार्म रखने के लिए, अपने हाथों को गर्म रखने के लिए। नेक्स्ट नंबर वियर, हम लोग पहनते हैं कॉटन शर्ट इन कॉटन शर्ट। कॉटन शर्ट कब पहनेंगे, कौन से सीजन में, समर सीजन में। हम लोग समर में पहनते हैं, गर्मी के सीजन में पहनते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं, इनमें हमें हवा लगती है और पसीना जल्दी सूखता है। नेक्स्ट नंबर थ्री, नेम द सीजन इन विच यू वियर दीज। यहाँ हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई है और सीजन का नेम पूछा है कि कौन से सीजन में आप इन ड्रेसेस को पहनोगे। तो ये देखिए रेनकोट दिया हुआ था, और रेनकोट कौन से सीजन में पहनते हैं, रेनकोट रेनी, रेनकोट रेनी सीजन में पहनते हैं, बारिश जब आती है तब हम लोग रेनकोट पहनते हैं, रेनी। इससे आगे देखिए एक वूलन कैप हमें दिखाई दी हुई है, और वूलन कैप कब पहनेंगे, रेनी, वूलन कैप, वूलन कैप हम पहनेंगे विंटर सीजन में, सर्दी के सीजन में, विंटर। नेक्स्ट देखिए जैकेट, और जैकेट भी हम लोग कब पहनेंगे, विंटर में, विंटर जैकेट है, फुल स्लीव्स के जो कपड़े हैं ना वो हम विंटर में पहनते हैं। नेक्स्ट टी शर्ट, और टी शर्ट हम लोग कब पहनते हैं, समर में, समर, गर्मी के सीजन में हम लोग क्या पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं। नेक्स्ट देखिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स, व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स, हम लोग क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्यों पहनेंगे, आंसर बताएं। आंसर लिखेंगे नंबर वन, वी वियर क्लोथ्स, वी
wear clothes to protect. PROTECT. Protect our body. हम हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए क्या पहनते हैं? क्लोथ्स पहनते हैं. तो लर्न करें इस आंसर को. वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी. वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी. हमारी बॉडी को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए हम लोग क्या पहनते हैं? क्लोथ्स पहनते हैं. वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी. नेक्स्ट देखिए, विच क्लोथ्स, कौन से क्लोथ्स, विच मीन्स कौन सा या कौन सी क्लोथ्स डू वी वियर इन विंटर. विंटर सीजन में, सर्दी के सीजन में हम लोग कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? विंटर में कौन से पहनेंगे? विंटर में कौन से पहनेंगे? वूलन. वेरी गुड. तो वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर. वेरी गुड. वी वियर, वियर मीन्स पहनना. We wear woolen clothes, WOOLEN, woolen clothes. We wear woolen clothes in winter. लर्न हो गया आपको आंसर. कौन से सीजन में हम लोग विंटर क्लोथ पहनते हैं? We wear woolen clothes. We wear woolen clothes in विंटर. सर्दी के सीजन में हम लोग वूलन क्लोथ पहनते हैं, गरम ऊनी कपड़े पहनते हैं. नेक्स्ट देखिए, वेयर डू वी गेट फ्रॉम वूल फ्रॉम. हमें वेयर मीन्स कहां से हमें वूल मिलती है. वूल मीन्स ऊन. ऊन हमें कहां से मिलती है? शीप के बालों से बनती है. तो आंसर क्या लिखेंगे? We get wool from sheep. SHEEP. तीनों क्वेश्चन आंसर आपको लर्न हो गए होंगे. बहुत ही छोटे और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर हैं. सभी को लर्न होने चाहिए. We wear clothes to protect our body. We wear woolen clothes in winter. We get wool from sheep. कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, चैप्टर 1, 2, 3 में मैंने अच्छे से आपको रिवाइज करवा दिया इसका बुक वर्क. कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अगर एग्जाम में आपके फुल मार्क्स होने चाहिए. आएंगे ना? Yes, ma'am. Okay, बेटा. Yes, ma'am. रिवाइज करें, इनको लर्न कर ले. फुल मार्क्स सबके आने चाहिए. बेस्ट ऑफ लक. टाइमिंग क्लास टाइमिंग पर ही स्टार्ट होंगे पेपर्स. क्लास टाइमिंग ही रहेगा. जिस क्लास टाइमिंग पे रहते हैं उसी टाइम पे पेपर स्टार्ट होगा. ओके, थैंक यू बेटा.